मकसद बहुत महत्वपूर्ण है और पंजाब के भविष्य यानी पंजाब की अगली पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मुद्दे को आज नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आज संजीदगी इसलिए है क्योंकि इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, वो नुकसान जिसकी भरपाई होनी असंभव तो नहीं बट बहुत मुश्किल हो चुकी, क्योंकि अरसे से एक स्लोगन सरकारों ने बना लिया है जो गुप्त स्लोगन है, मैं उसको हमेशा उजागर करता आया हूँ और मैं ये पंजाब के लोगों के नाम भी आज एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि उन्हें जागरूक होना चाहिए कि उन्हें मूर्ख बनाया जाता है, झांसे में लाया जाता है वोट बटोरने के लिए और फिर एक धंधा चलता है, एक बिजनेस चलता है। जब मुद्दों से भटकते हैं मैं फिर घसीट के सबसे अहम मुद्दों पे लाता हूं और आज भी जिस मुद्दे पे मैं 15 साल से खड़ा हूं कि पंजाब के रिसोर्सेस की चोरी क्यों हो रही है, ये लग्जरी के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये लग्जरी सॉर्टीज फैल्कन एयरक्राफ्ट है और साथ में हेलीकॉप्टर, दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, वो यहीं से जाता है सब कुछ। तो वो सवाल भी है कि भाई ये तो बताइए, क्योंकि ये लोगों के हक के खून पसीने के पैसे हैं जो आप खर्च रहे हैं और यही नहीं, ये दूसरे स्टेटों में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, कई जगह पे कैंपेनिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल। तो मैं इसे एक स्लोगन के रूप में कहता हूं कि पंजाब के लोगों के माल पे आपकी रोज दिवाली, लेने के देने पड़ गए। कहा क्या था, हो क्या रहा, आज पंजाब की नौजवान पीढ़ी जो है वो सब आईलेट्स करके बाहर जा रही, खासतौर पे पंजाब चल ही हुई, वो 400-500 डॉलर जो आते हैं वहां से उसी पे चल रहा है। और जो अगले आंकड़े कैग के हैं खासतौर पे कि पंजाब 7-8 साल में दिवालिया हो जाएगा और जिस तरह से ये कर्जे ले रहे हैं, पहले होगा एक योजना तहत एक सिस्टम क्रिएट किया गया और उस सिस्टम को बारंबार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो भलाई के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, लेकिन लगातार सरकारें और चीफ मिनिस्टर बिजनेस करने में लगे, पंजाब को गिरवी रखने में लगे, क्योंकि जो पंजाब का पैसा, और ये आम आदमी को समझना चाहिए, आपके जरिए मैं समझाना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, खास तौर पे जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उनको समझाना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी एजुकेशन के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सहूलियत के साथ, और आपको जो लोक भलाई के लिए पंजाब का खजाना डेवलपमेंट के रूप में मिलना चाहिए था वो निजी जेबों में जाना। की कहते सी चीफ मिनिस्टर साहब, माफिया खत्म, रेता 1000 रुपए, 1500 रुपए, मेरा छोटा भाई है, सियासत अलग है और जो पहले के संबंध है वो अलग है, इज्जत भी देता है लेकिन इज्जत अपनी जगह है, पंजाब अपनी जगह है, असी सस्ती रेत देंगे लोगों को 15,000 ट्राली 3 सैकड़ा जो कांग्रेस के टाइम पे 3,000। हेल्थ और एजुकेशन की धमकिये मारते हैं, जो स्कीम थी असली स्कीम 2 साल जो चलनी चाहिए थी कि 100% हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, आयुष्मान स्कीम, 40% देने के पैसे नहीं, लेने के देने पड़ गए, अरे फ्री इलाज ग्राम, देखो ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, व्हाई डू नीड देम,
when the government is giving you 5 lakh insurance cover for everybody, all you have to do is कि आप 40% डालिए, आपके पास है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, वो फूल से रस भी लेती है करके तरीके से, और फूल भी बड़ा सुसज्जित रहता है, लेकिन ये सरकारें तो चौक बन गई, चौक समझते हैं आप, लीचेस। गऊ के स्तन को भी लगा दोगे वहां से भी दूध नहीं खून चूसे। क्या हमने फ्री बिजली दे दी? कैसे दे दी? पीएसपीसीएल को गिरवी रख के दी। क्या नहीं रख दी तुझी एजेंसी? सबसे पहले मैं पूछता हूं एनपीए कहां गए यारू, जो तुम कहते थे कैंसिल करेंगे। आए जी असी ते सारे ही लगाड़ दी लगाड़, वो आए थे हफ्ते के लाओ जी कैंसल। पीक सीजन में आज पंजाब 21 रुपए की बिजली खरीद रहा है और तुम फ्री दे रहे हो। कैसे दी तुमने? मैं बताता हूं कैसे दी। पीएसपीसीएल पे आज 40,000 करोड़ के ऊपर कर्जा मैं कहता तनख्वाहों के लाले। ये तो शुक्र करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिटेशन लगा दी, उन्होंने कहा कर्जा देना ही नहीं, आरबीआई ने लिमिटेशन लगा दी, लिमिट कट कर दिया। नहीं तो ये कहते ले आओ जी 10-15 हज़ार करोड़ और दो, 1100 भी दे दो जनानी। पंजाब जाए टठे खूच, साडा वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है। आ देखो मैं 15 साल का हाथ बन के थोड़े को नैरेटिव सैट करना चाहना, वरतांत ये वरतांत है इलेक्शन का। पुछो कितों लियाओगे? वो भाई पंजाब के लोगो, मैं थोनों पहला तो कहना कि ये 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जे थोड़े पैसों का, थोड़े रिसोर्स का, रेत तो, शराब तो, केबल तो, ट्रांसपोर्ट तो, कितने ने वो जो मित्र प्यारे परमिट कहता सी हरेक पिंड च दूँ है, और जमीन तो ये 30-40 हज़ार करोड़ डबल होए। अब देखो फर्क देखो, 30-40 हज़ार करोड़ डबल सेंटर की स्कीमों में डाल के 80 है, और कहाँ? ये सारा आपकी जेब में, और भाई चल रहा है कर्जा 50,000 करोड़ दे साहब मित्र प्यारे। आखिर सेंटर धक्का करता है, सेंटर दे तो गोडे ही लेट रहे बारी 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 ना टंगे महाशय जी हो जाओ फिर मित्र प्यारे, मैं तेरा भरा जय जयकार करूंगा तेरी, हो जाओ कल आओ इनकम साड़ी कर ले जब जिन्होंने पैसे चोरी किए। कहे पार्टी का हो मित्रा? ये पार्टी का हो जय जयकार, तेन चिट्ठी देन गया मैं, आप खुद नम्र होके आया चिट्ठी फड़ा गया 1.5 साल पहला 2 साल पहला, तुम सारे गवाओ की क्या सी आप छोटे वीर आ 6 चीजां कर ते तू 30-40 हज़ार करोड़ सारे दम के मारो कॉरपोरेशन बनावे जी। क्यों कहते सी कि नहीं बोलते थे कि नहीं? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, गल्ला का कड़ा वरताया, लोगों का मूर्ख बनाया और हवाना जी विकास कराया। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।